बीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो उस शीरे से देसी मदिरा का प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आबकारी टोटल राजस्व में देसी मदिरा का प्रतिशत 46% है, एक बड़ा चंक देसी मदिरा से आता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग शीरा उपलब्ध कराएं उन सभी प्लांट्स को। इसी की तरह जितनी भी और छोटी लघु आधारित इकाइयां हैं जिनको शीरे की आवश्यकता होती है, उन सभी इकाइयों में भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत हम लोग ने व्यवस्था करी है। इसके साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा जो शीरे की बिक्री होती है उसमें 20 रुपये प्रति कुंटल की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान का भी शीरा नीति में प्रावधान किया गया है, जो सीधे प्रदेश सरकार को वो भुगतान वो करेंगे। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह, पिछले वर्ष भी 19% का हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था, इस वर्ष भी हम लोग 19% का रिजर्वेशन लेकर शीरा नीति में लेकर आए हैं और आज माननीय मंत्रिपरिषद ने इस शीरा नीति को अनुमोदित किया है। विनियामक शुल्क है, देखिए, जो कि हम लोगों का, हम लोग अपने अधिकारी लगाते हैं चीनी मिलों में, आबकारी विभाग के अधिकारी लगते हैं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, तो एक विनियामक शुल्क हम लोग जो चीनी मिलों से लेते हैं उस शीरे पे, तो वो 20 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। 19% ही था पिछले साल भी, आज साल भी 19% ही रखा है। नहीं नहीं नहीं, बढ़ाया नहीं गया, उतना ही है, उतना ही 20 रुपये था, 20 रुपये कुंटल। धन्यवाद नितिन जी। माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के प्रख्यापित होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निराशित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफर नीति थी, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई, तो नई नियमावली की आवश्यकता थी। अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ इतना बदलाव हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ख़ासतौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती हैं या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है, तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में, महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी, उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ये उसमें बदलाव है, बाकी जस की तस नियमावली है, सबके लिए है, लेकिन उनको कंसीडर करके 3 वर्ष सबके लिए कर दिया। हाँ, 3 वर्ष बाद, अभी तक 5 वर्ष बाद होता था, अब उसकी जगह 3 वर्ष बाद हुआ है, 3 वर्ष मिनिमम, 3 वर्ष महिलाओं के लिए उनको कंसीडर क्यों किया गया, एक प्रश्न आया था, तो प्रश्न में ये कहा गया क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है, नियम यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसमें 3 वर्ष सबके लिए कर दिया, उनको लाभ मिल जाएगा। 3 वर्ष तक तो महिलाओं का कोई भाई, कोई पिता, कोई कर वहाँ पर एडजस्ट कर सकता है, 5 वर्ष एक लंबा समय था। ये एक तो ये हमारा प्रस्ताव था। दूसरा, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन लाया गया है। अभी तक ये जितने भी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी लॉ, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती थीं वह हमारे आवेदन करती थी, चाहे प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, लेकिन जो किसी और स्टेट से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो उनको अवसर प्रदान करने के लिए अब ये हो गया कि यदि किसी और प्रदेश में भी वो रजिस्टर्ड हैं वहाँ के नियमावली के अनुसार, तो और वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं, तो उनको भी यहाँ अवसर मिल जाएगा, ये उनको सुविधा हो गई। और अभी जो हमारी नई नीति आई थी उसमें विदेशी विश्वविद्यालय को भी आमंत्रित किया गया है, तो जो UGC ने नियम बनाया है, एक प्रख्यापन किया है, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023, इसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे
उनको भी यहाँ पे अवसर मिल जाएगा, दूसरा ये प्रस्ताव था। तीसरा अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, लखनऊ में परिसर स्थापना के हेतु निश्चित भूमि उपलब्ध कराने के लिए। अभी तक ये प्राइवेट एक जगह बिल्डिंग में चलाते थे और इन्होंने भूमि की आवश्यकता को महसूस किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ये चकौली परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उसको उपलब्ध कराया गया है। 2.3239 हेक्टेयर, और इसका जो भी सर्किल रेट से चार गुना मूल्य जो था उसके, और मालगुजारी 34 मतलब ये था 9,29,56,000 और मालगुजारी था 34,858, ये प्रतिवर्ष बताया गया था। इसको हम शिक्षा विभाग लेगा और शिक्षा विभाग उनको लीज पर देगा, ये जो प्रस्ताव है, ये तीन प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण। जी हाँ, इससे लाभ होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, चंदौली है इसका जगह का नाम, चकौली परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ। नहीं, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अभी तक एक ये परिसर में चलाते थे किराए पर लेकर, इनको उसका विस्तार देना है और विस्तार से लाभ होगा यहाँ के छात्रों को जो विदेश में विदेशी भाषा सीख के वहाँ कोई काम करना चाहते हैं, या यहाँ पर कोई ऐसी संस्थान है जिनमें विदेशी भाषा की आवश्यकता होती है, तो 2,500 स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो उनको भूमि उपलब्ध करा के उनका परिसर खोला जाएगा। अभी तक किराए के मकसद है, हाँ एग्जिस्ट करता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है लेकिन वहाँ अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को ही ज्ञान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। आज की मंत्रिपरिषद के में जो बिंदु संख्या 5 था, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के निवेशक प्रोत्साहन नीति 2023, ये 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति आई थी, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जो रिजर्व बैंक की परिभाषा थी और अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो रखी थी उसमें FDI की परिभाषा का मतलब यह है कि जो इक्विटी विदेश से सीधे सीधे किसी भी कंपनी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आती है, लेकिन आज जो संशोधन आए तो वह हमने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको किया है। उसमें यह तो ज़रूरी है कि कम से कम 10% इक्विटी हो, अब हमने इक्विटी के साथ साथ उसमें डिबेंचर को और लोन को भी उसमें अलाउ किया है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, स्टैंड बाई लेटर्स ऑफ द क्रेडिट, डिबेंचर एट्सेट्रा को भी उसमें अलाउ कर दिया। जो लोन, यानी कि अभी तक केवल FDI वो थी जो कंपनी के पास अपनी इक्विटी होती थी, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादातर कंपनी अपने बिजनेस को फैलाने के लिए हर तरह से बाहर से लोन भी लेती हैं और हर प्रकार से पैसा मैनेज करती हैं, तो वो भी हमने अलाउ कर दिया। इक्विटी केवल 10% रह गई, अगर वो उसकी कंपनी के पास अपनी 10% इक्विटी होगी और प्लस 90% इस प्रकार का उसने व्यवस्था कर रखी होगी तो हम उसको भी इस तरीके से अलाउ करेंगे और उसको फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप से जाना जाएगा और उसको भी हम बेनिफिट्स देंगे। ये हमने एक अमेंडमेंट लाए, नहीं अब जो जाना जाएगा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एवं
फॉर्चून 500 कंपनियां के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 निर्गत की गई थी पहले, लेकिन अब जो है वो एक्सटर्नल जो हमने अलाउ किया है फॉरन स्टैंड बाई क्रेडिट डिवेंचर जो लोन एक्सेट्रा वो कर दिया है, यानी अब हम उसको फॉरन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप से जानेंगे। वो FDI चूँकि RBI की गाइडलाइंस FDI के बारे में अलग है, भारत सरकार का अलग है, तो हमने उत्तर प्रदेश में अपनी जो नीति बनाई है उसमें फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है ताकि वो दायरा उसका बढ़ जाए, वो कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें जो लोग लोन लेकर या किसी डिवेंचर लेकर या किसी प्रकार से फॉरेन लेटर ऑफ कंफर्ट लेकर किसी तरीके से आती हैं, यानी उसका उसका दायरा बढ़ा दिया, उन कंपनियों को ये सहूलियत दे दी कि वो इस प्रकार के पैसे रखने वाले लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर दो, ये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत मेसर्स पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति देने के संबंध में, ये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए निवेश वाली परियोजना को जो प्रोत्साहन अनुमन्य किया गया है वो ये है। खासतौर से इसमें जो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ₹46,25,00,000, इसमें 15% तो कैपिटल सब्सिडी है 5 साल में, और उसके साथ साथ जो भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति है वो 1,25,00,000। इस प्रकार से ये 46,25,00,000 रुपए का वित्तीय उपाशय उनको 5 वर्ष के अनुमन्य किया गया है। आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। इसके साथ साथ निवेशक को 0.3814 करोड़ वास्तविक आधार पर स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट देने के लिए मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया, जिसमें 4500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 300 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा प्रस्तावित